अगर आप भी इंटर करने के बाद एक सुनहरे अवसर की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हाँ, बंधन बैंक ने 12th पास बच्चों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है, जिसकी उम्र भी 18 से 29 वर्ष के बीच है, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं और योग्यता भी जो है इंटर पास है। तो इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करनी है, कितनी पदों पे वैकेंसी निकली है और काम क्या है, चलिए हम सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स। बंधन बैंक ने बम्पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें वो मौका दे रहे हैं इंटर पास बच्चों को, जो अप्लाई कर रोजगार पा सकते हैं। आपको बताते चले कि बंधन बैंक में डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO के 39 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट ncs.gov.in पर जाकर 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात सैलरी की कर ले कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, तो बंधन बैंक में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन के बाद उम्मीदवारों को हर महीने 14,200 से लेकर 21,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। वहीं अगर हम बात योग्यता की करें, तो बंधन बैंक में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए किसी भी स्ट्रीम में सीनियर सेकेंडरी कक्षा की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से आपने इंटर पास किया है, कोई मतलब नहीं रखता। आप इस भर्ती के लिए, आप बंधन बैंक में डाटा एंट्री के लिए आप उम्मीदवार हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार की जो उम्र है वो 10 मार्च 2022 को 18 वर्ष से कम और 29 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मतलब 18 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए आपकी जो उम्र है। लेकिन ध्यान रहे, 10 मार्च 2022 को आपका जो उम्र है वो 18 से कम नहीं होना चाहिए और 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खासकर अगर बात करें आवेदन प्रक्रिया की, तो उम्मीदवारों को NCS पोर्टल पर विजिट करने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने UAN नंबर या पैन नंबर और अन्य डिटेल्स भरना होगा। इसके बाद उम्मीदवार अपने यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। अब चलिए हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है। यहाँ क्रेडेंशियल दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे। अब ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक कर और आवेदन फॉर्म भरें। किसी भी अन्य जानकारी के बारे में पता करने या शिकायत करने के लिए उम्मीदवार बैंक के HR विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, जो HR का नंबर है, हम चलिए आपको वो भी देते हैं। आप ये नंबर नोट कर लें, क्योंकि इस नंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नंबर है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ भी ऐसा उलझने हो रही हैं, तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये HR का नंबर है, जहाँ पे जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, जो इंटर पास है और जॉब करना चाहते हैं 14,000 से 21,000 तक, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका नंबर इस प्रकार है 9748330338। ये नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।